नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। भारत पाकिस्तान सीमा पर खतरनाक हालत। जम्मू और कश्मीर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने के चलते हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। बीते कई दिनों से घुसपैठ, सेना के कैंप पर हो रहे आतंकी हमले और पुलिस जवानों से हथियार छीनने के चलते भारतीय सेना को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ना पड़ रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी फायरिंग के चलते बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए। बीएसएफ के पश्चिमी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक अरुण कुमार ने आगाह किया है कि सीमा पर बीते 24 घंटे से जो असहज शांति बनी हुई है वह किसी भी वक्त कोई भी रूप ले सकती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी भी घटना या पाकिस्तानी पक्ष की ओर से सीमा पर किसी भी तरह के सैन्य जमावड़े से निपटने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। बीएसएफ ने कहा कि घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तानी रेंजरों की मदद से की जा रही थी, जिसे गुरनाम सिंह और उनके साथी जवानों ने नाकाम कर दिया था। बीएसएफ के एसडीओ ने कहा कि जाहिर तौर पर यह ऑन रिकॉर्ड है और हमने अपने निगरानी उपकरणों की मदद से देखा है कि वह किस तरह उन्होंने घुसपैठियों को हमारी सीमा में घुसने के लिए गोलीबारी की आड़ दी और किस तरह हमारे जवानों ने इस कोशिश को नाकाम किया। कुमार ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं लगातार हो रही है और सेना के सशक्त मार्गदर्शन में बीएसएफ इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गौरतलब है कि गुरनाम सिंह शुक्रवार को कठुआ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की घटना में घायल हो गए थे, बाद में अस्पताल में उनका निधन हो गया। दूसरी ओर रविवार रात आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी ने भारत के जवान सुशील कुमार की जान ले ली, जबकि अन्य जवान जख्मी हो गया। इस गोलाबारी में दो नागरिक भी घायल हुए हैं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अमेरिका की चेतावनी, पाक में घुसकर खत्म करेंगे आतंकी नेटवर्क। समाजवादी पार्टी में गृह योद्धा अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल से किया बाहर। केजरीवाल ने फडणवीस पर बोला हमला, कहा भाजपा देश को बर्बाद कर देगी। मोदी की लोगों से अपील, इस दिवाली पर जवानों को भेजे संदेश। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने रिहाई के लिए महिला आयोग को लिखा पत्र।